नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। क्या आप चाय के अंदर में अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं? तो ये तीन वीडियो जो बनेंगे इनको आप ध्यान से देखिएगा। ये पहला वीडियो है और इस वीडियो के अंदर में मैं ये बताऊंगा एक कंप्लीट ब्रांड के नेचर को लेके, ब्रांड की अंडरस्टैंडिंग को लेके कि ब्रांड अपने लोग क्यों बनाते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या होता है। जैसे चार तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, चार तरीके के प्रोडक्ट के अंदर में क्या हुआ, एक तो जैसे कॉमोडिटी प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल अपने रह रहे, जैसे आटा चावल दाल मैदा वगैरह जो है अपने मन इसेंशियल है, अपने लोग को यदि वो नहीं मिलेगा तो अपना जीना भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है उसके अंदर में, तो एक तो वो रहता है। दूसरा एक सर्विस रिलेटेड मनी प्रोडक्ट रहता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो हैं वो सर्विस रिलेटेड प्रोडक्ट है, जैसे आप बस से जाते हो या फिर ट्रेन से जाते हो या फ्लाइट से जाते हो, ये सर्विस रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए। तीसरा यदि मैं बात करूँ तो एक सॉल्यूशन रिलेटेड आपके प्रोडक्ट होते हैं। सॉल्यूशन रिलेटेड प्रोडक्ट के अंदर में क्या हो गया कि आपके जैसे आज एक हार्पिक जैसे प्रोडक्ट को देख रहे हो, तो आज के 30 बरस पहले 40 बरस पहले जब हार्पिक नहीं आया था तो लोग एसिड से टॉयलेट वगैरह धोते थे। जैसे कि पहले सिंटेक्स की टंकी नहीं आई थी तो उसमें पहले सीमेंट के टंकी बना के उसका काम करते थे, पानी जो छत के ऊपर में रखा जाता है। उसके बाद में एक सॉल्यूशन आया कि ये ठीक है। उसके पहले जैसे अपने आज के 30-35 बरस पहले जब एमसीन वगैरह नहीं आया था तो मैंने देखा है कि लोग पाइप के ऊपर में साबुन भी लगा के काम करते थे, जो पाइप फट जाते थे वगैरह वगैरह, तो उसके अंदर में और इस ढंग से होता है। जैसे अभी प्रेजेंट में सॉल्यूशन की बात करें तो जब कुछ भी नहीं हो रहा था, जब लॉकडाउन कोविड का लगा हुआ था, तो जूम बोन के एक जो सॉफ्टवेयर आया वो ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए, तो उस समय जो ऑनलाइन मीटिंग से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर थे वो बहुत ज़्यादा काम करने लग गए थे। तो सॉल्यूशन बेस्ड जो प्रोडक्ट रहते हैं वो एक आपके हो गए। और उसी हिसाब से आपका फोर्थ वन जो है कि एशेम्बन बेस्ड प्रोडक्ट, जैसे कि चार चीज़ों को मिला के एक प्रोडक्ट बना दिया, जैसे कि चार जगह पे, जैसे टूरिज्म वगैरह में भी आप देखते हो कि जंबो वगैरह के जो प्रोडक्ट रहते हैं या एक कंप्लीट पैकेजिंग जो रहती है, जैसे कि आज कंप्यूटर को भी देखें तो एक कीबोर्ड है, एक मॉनिटर है, एक आपके सीपीयू है, ये तीनों प्रोडक्ट को मिला के एक कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता है। वही तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपके लैपटॉप के अंदर में आ जाता है, उन्हीं के एक स्मार्ट वे के अंदर में आपका जो स्मार्टफोन है वो आ गया। तो इस ढंग से देखा जाए तो एक सॉल्यूशन दिया जाता है। अब बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा दे रहा है उसमें ये देखा जाता है कि अपने बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है, या फिर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है वो बंदे का बना रहे और वो आइडेंटिफाई कर सके कि हमें जो एक्सपीरियंस मिला है वो किस जगह से मिलेगा। क्योंकि हर दुकान के अंदर में वो समझाना कि इस तरीके का हमें प्रोडक्ट चाहिए, इस डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है हर आदमी के लिए। तो उस एक कंप्लीट सॉल्यूशन जो है, उस सॉल्यूशन का एक नाम दिया गया, उसको ही अपने लोग एक ब्रांड बोलते हैं। जैसे कि आज अपने लोग, जैसे फिर से मैं एक रिपीट करना चाहूँ, जैसे सर्फ की बात करें तो सर्फ के अंदर में पहले अपने लोग सोडा से कपड़ा धोते थे कि भाई कास्टिक सोडा आता था उससे कपड़ा धोते थे, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर में कास्टिक सोडा है, टीना पोन है और दूसरे दूसरे आइटम उसके अंदर में मिला के रिवाइव करके, है ना, आरारोट वगैरह दे के या और कई प्रोडक्ट उसके अंदर में मिलाने के बाद में वो एक कंप्लीट सर्फ एक्शन बना। यार सर्फ एक्शन से एक बहुत अच्छी टिकिया टाइप की बनाई जी भाई रीन के अंदर में, सर्फ हर जगह अपने ले के नहीं जा सकते, तो उसका सॉल्यूशन अपन लोगों ने बनाया कि अपने लोग जैसे टिकिया जो बनाई, टिकिया के अंदर में अपने कहीं भी कपड़ा धोने के लिए ले जा सकते हैं, सर्फ हो सकता है गिर जाए या बिखर जाए या उस ढंग का हो गया। उस हिसाब से प्रेजेंट में आपके देखा जाए तो डिश वॉश वगैरह आई, तो ये सारे एक सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन का नाम, एक प्रोडक्ट का नाम दे दिया गया और उसका नाम जो देते हैं वही एक ब्रांड होता है। तो ब्रांड के अंदर में क्या होता है कि बंदे का एक्सपीरियंस भी जुड़ा होता है, और हर एक ब्रांड क्या है कि वो अपने आप को एक डिफाइन करता है आज प्रेजेंट के अंदर में। जैसे ठंडा मतलब कोको कोला हो गया,
दाग अच्छे हैं, ये टैग नाइन हो गई आपके सर्फ एक्शन की हो गई, दूध जैसी सफाई निर्मा की हो गई, पहने विश्वास कर पहने इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो घड़ी डिटर्जेंट पाउडर की हो गई। उसी हिसाब से अपने लोग जब काम करते हैं उसके अंदर में चाय के अंदर में यदि काम करते हैं तो जैसे रेड नेवन है, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है रेड नेवन, क्योंकि रेड नेवन की वाइन भी आती है और रेड नेवन की चाय भी आती है, लेकिन जो आदमी वेजिटेरियन है, जो नॉन वेज से रिलेटेड नहीं रखते हैं या जो वाइन वगैरह से, तो रेड नेवन की चाय ही समझेगा। ग्रोसरी शॉप पर यदि जाके बोलेगा कि रेड नेवन की दे दो आप, तो वो चाय ही समझेगा। उसी हिसाब से बाघ बकरी आज यदि अपने बोले तो वो एक प्रोडक्ट को ही डिफाइन कर देती है। जैसे मैगी यदि नाम बताएं तो एक नूडल को डिफाइन करती है कि टेस्टफुल मैगी है। उसी हिसाब से अपने लोग एक टेस्ट द थंडर या टैग नाइन है वो ये डिफाइन करती है कि थम्सअप अपना जो कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं वो बताते हैं। तो ये सारे एक सॉल्यूशन का नाम, एक ब्रांड का नाम रखा गया जिससे कि आपको बार बार ये डिफाइन नहीं करना पड़े कि मुझे इस टाइप का प्रोडक्ट करे चाहिए। तो आप अपने प्रोडक्ट को क्या, अपने जो ब्रांड का नाम रख रहे हो उस ब्रांड के नाम के हिसाब से आप डिफाइन कर पा रहे हो उसको, प्रोडक्ट को। जैसे आज बायजू की बात आती है तो बायजू एक एजुकेशन बेस्ड ऐप है जिसके अंदर एक कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है और उस सॉल्यूशन के हिसाब से आप ये डिफाइन कर सकते हो कि हमारे बच्चे ऑनलाइन यदि पढ़ना चाहते हैं तो चार पांच जो ब्रांड है मार्केट के अंदर में उसके ऊपर में यदि पढ़ेंगे, वैसे तो ब्रांड बहुत सारे हैं लेकिन वो अपने आप को बेटर वे में डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, बट जो डिफाइन कर पा रहे हैं उनका ब्रांड चल रहा है। जैसे कि आज HP की प्रिंटर आती है उसी हिसाब से उसके HP का टोनर आता है। आप इंटेक्स का यदि बात करें तो उसका ये कंप्यूटर वगैरह आता है। आज जैसे ऑल ओवर इंडिया के अंदर में बोले या पूरे संसार में बोले तो इंटेल बोन के जो कंपनी है वो आपके CPU की चिप बनाती है। सैमसंग के बहुत सारे आइटम हो सकते हैं, सैमसंग से डिफाइन नहीं होगा। जैसे पतंजलि के अंदर में ये डिफाइन नहीं हो सकता पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट रेंज है पूरी की पूरी। लेकिन आज यदि अपने हॉर्निक्स की बात करें तो वो प्रोडक्ट को भी डिफाइन कर देती है कि हॉर्निक्स एक एनर्जी ड्रिंक है या बूस्टर डोज है। नेस्ले की यदि बात करें तो मैक्सिमम कॉफ़ी की बात आती है। कैटबरी की बात करें तो एक चॉकलेट की बात आती है कि अपने को ये। उसी हिसाब से जैसे आज हम लोगों ने अपना एक ये लोको ब्रांड बोल के बनाया है तो लोको ब्रांड हमने एक चाय का नाम दिया है और लोको के साथ साथ में हम जो वर्किंग जो हमारी स्टाइल है वो डिफाइन करते हैं कि हम एक इंजन है और आपको साथ में लेके चलना चाहते हैं आपके जो भी ब्रांड है। तो पर्टिकुलर चाय बोन के हमारे इस ब्रांड को ही नहीं, हमारी पूरी कंपनी को ये डिफाइन करती है, हमारी वर्किंग स्टाइल को डिफाइन करती है कि हम सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं। हम इंजन है तो साथ में हम आप सबको लेके चलना चाहते हैं साथ में, और हम जहाँ पहुँचेंगे आपको भी साथ में पहुँचाएंगे। इसके ये हमने चैनल पार्टनर का भी एक हमने किया है। आपको अपना ब्रांड बनाना है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको यदि ट्रेनिंग चाहिए भाई चाय से रिलेटेड कोई भी आप डिफाइन करना चाहते हो, अपने प्रोडक्ट को बनाना चाहते हो, तो ये भी हम अपनी ट्रेनिंग के थ्रू आपको ये सारी कंप्लीट चीज़ें अपनी सिखाते हैं। इवन हमारे जो कंटेंट रहते हैं उसमें भी हम ये बताते हैं कि इस ढंग से ये सारा का सारा काम होगा। तो ये सारी के सारी एक समराइज वे के अंदर में मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। सेकंड वीडियो में अपने और डिटेल के अंदर में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ है वो आप एक्सपीरियंस करते हो एक ब्रांड के नाम के साथ में, और आपके जो भी क्वेश्चन है आप मुझे बताते रहिए। और सेकंड जो वीडियो बनेगा ब्रांड से रिलेटेड उसके अंदर में वो सारे के सारे कॉमेंट को भी मैं लूँगा जिससे कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सकूँ मैं ब्रांड के नाम के बारे में कि किस टाइप से ब्रांड का नाम काम करता है या कोई भी चीज़ है। जैसे कि आज गोडरेज है, गोडरेज का जी डिफाइन कर देता है कि ये गोडरेज का जी है। जीरोक्स का आपने नाम देखा होगा तो जीरोक्स के अंदर में आप देखोगे कि उसके जो वर्क जो वर्ड है वही डिफाइन कर देते हैं कि हाँ ये जीरोक्स की कंपनी है। उसी हिसाब से बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जैसे कि अमेजोन को देखोगे तो वो ये उसके नाम के अंदर में A to Z के अंदर AMAZ
ओ एन बोन के है, तो ए से लेके जेड के बीच में आप देखोगे कि एक 9 टेनी हुई है। इसका मतलब ये है कि वो ए टू जेड सारा का सारा आइटम के अंदर में काम करते हैं। तो ये सारा का सारा जो भी ब्रांड बनता है वो डिफाइन करता है कि उसका ब्रांड क्या काम करता है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। आपके बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे ब्रांड से रिलेटेड, आप प्लीज़ मुझे बताइए और मैं आपका उसका सॉल्यूशन दूंगा सारी की सारी बातों का साथ में। इन्हीं सब बातों के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संतोष अग्रवाल।